विघ्नहर्ता श्री गणेश। इस प्रकार कुमार कार्तिकेय को वो स्वर्ण कमल प्राप्त हो गया जिसमें तारकासुर के शेष प्राण निहित थे, जिससे अब तारकासुर भाग गया कि उसके प्राण अब सुरक्षित नहीं। क्या हुआ, तुम्हारे नेत्रों में भय की छाया उभरती हुई क्यों दिखाई दे रही है मुझे? अच्छा, अर्थात तुम्हें भी ये विश्वास हो गया है कि अब अंत दूर नहीं है तुम्हारा? नहीं, नहीं, इस कमल को मैं क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। ये नहीं हो सकता, मेरी योजना विफल नहीं हो सकती। नहीं, नहीं, मुझे स्वयं को संयत कर कोई उपाय करना होगा। कुमार कार्तिकेय, ये लीजिए। मेरे प्राण स्थित है इस कमल में, इसे देवताओं की क्रीड़ा का कंदूक नहीं बनने दूंगा मैं। मैं अपनी माता के चरण कमल उनसे विलग कर दूं। मूर्ख, इतना भी ज्ञात नहीं है तुम्हें कि एक माता 100 पुत्रों को जन्म देने में सक्षम होती है, किंतु 100 पुत्र एक साथ आकर भी एक माता को जीवन प्रदान नहीं कर सकते। अपने आसुरी छल से माता की महिमा को खंडित करवाना चाहते थे तुम? तुम्हारे उन कुटिल विचारों और उन अनुचित शब्दों के लिए अब तुम्हें उचित दंड दूंगा मैं। नहीं, नहीं, नहीं। भटका हुआ था, कुपथ पर था, भूलो ही मुझसे, मुझे छोड़ दो, मेरे इस कमल को कुछ मत करो, मेरे प्राण नष्ट मत करो। कुमार कार्तिकेय, छोड़ दो। किंतु मैं क्रूर कुटिल असुर
विजयी होकर ये प्रमाणित कर दूंगा कि मेरे बालक ही हो तुम। अपनी माता के चरण कमलों को विरग करेगा तभी अंत कर सकेगा मेरा वो। ताड़ का स्वर, अब तुम्हारी दुष्टता और तुम्हारे आतंक दोनों का आज यही इसी समय अंत करूंगा मैं। तारकासुर का अंत हो ही गया। कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर ही दिया। कार्तिकेय सावधान। ये कैसे संभव है स्वामी? तारकासुर के शेष अर्ध प्राण जिस कमल में स्थित थे उसे तो पुत्र कार्तिकेय ने नष्ट कर दिया, फिर तारकासुर अभी भी कैसे जीवित है? माता तारा का वरदान प्राप्त है मुझे, वो वरदान जो जीवित रखेगा मुझे। अपनी त्वचा त्याग कर एक नवीन रूप धारण करता है, उसी प्रकार मैं भी अपने पूर्व के शरीर को त्याग कर अपने अर्ध प्राण को सुरक्षित रखने हेतु यह दैत्याकार रूप धारण कर सकता हूँ। इसलिए तुम मुझे कितनी भी क्षति पहुँचा लो कुमार कार्तिकेय, किंतु मैं बार बार नवीन रूप धारण कर पुनः उठ खड़ा होऊंगा। कुमार कार्तिकेय का क्रोध अब उसके चरम पर पहुंच चुका है। तुम तो मात्र एक सर्प के समान अपना रूप ही परिवर्तित कर सकते हो ना तारकासुर, किंतु मैं तुम्हें उस सर्प रूपी शक्ति का परिचय दूंगा जो मेरे भीतर समा है। Thank you.
हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति सदैव स्थित रहती, परंतु जब वो जागृत होकर गतिशील होती तो वो व्यक्ति को परम शक्ति प्रदान करती है। जैसे आज कुमार कार्तिके अपने जन्म के उद्देश्य अर्थात तारकासुर के अंत के इतना निकट है, तो उसकी सर्प रूपी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायक बन रही है। अंत करो पुत्र, अंत करो तारकासुर का, अंत करो ससुर का जिसने देवताओं का जीवन कष्टमय बनाया, जिसने अनेकों बार सनातन धर्म का उल्लंघन किया, यज्ञादि में बाधाएं उत्पन्न, ऋषि मुनियों को बंदी बनाया, मेरे भक्तों को आतंकित किया, उन्हें पीड़ा पहुंचाई, नष्ट करो ससुर को, अंत करो उसका पुत्र। देवी पार्वती भी अत्यंत क्रोधित हो उठी है। कुमार कार्तिकेय की जय। देश सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। देश सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देवता है, हमें पहचानिए कुमार कार्तिकेय, हमें पहचानिए। ब्रह्मदेव,
हम पे कृपा कर शीघ्र कोई उपाय कीजिए, क्योंकि सर्प रूप धारण करने के उपरांत कुमार कार्तिकेय अपने वास्तविक रूप में लौट ही नहीं रहे और उनकी उग्रता में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। कुमार कार्तिकेय के भीतर क्रोध ज्वालामुखी बन के फट पड़ा है। तारकासुर ने उसकी मां को क्षति पहुंचाने के लिए प्रेरित कर उसके भीतर क्रोध उत्पन्न कर दिया है। उसी क्रोध को कुमार कार्तिकेय ने अपने भीतर नियंत्रित कर लिया है। अब वही क्रोध विनाश का कारण बन रहा है। कुमार कार्तिकेय को यदि कोई शांत कर सकता है तो वो है उसकी माता देवी पार्वती। हम सबको करबद्ध होकर माता स्कंद की प्रार्थना करनी चाहिए। तारकासुर का वध कर उसके आतंक को मिटा दिया। उमा, अब पुत्र कार्तिकेय के उग्र रूप को शांत करो। शांत हो जाओ पुत्र। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं क्रोध के आवेश में बह गया था। मैं स्वयं पर नियंत्रण खो बैठा माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। पुत्र, ये यात्रा तुम्हारे लिए अनेकों चुनौतियों से भरी रही। महादेव पुत्र हो तुम, किंतु फिर भी तुम्हें इस परीक्षा के माध्यम से देवताओं के समक्ष ही नहीं, अपनी दृष्टि में भी स्वयं को प्रमाणित करना पड़ा। और अब तारकासुर का वध करके तुम इस परीक्षा में सफल हो। नहीं माँ, आपने मुझे इस योग्य बनाया, इसीलिए मैं ये सब संभव कर सका। मेरी सफलता का आधार तो आप और पिताश्री ही हैं माता। आयुष्मान भव पुत्र। कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। हे सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय तो परम ब्रह्म है, इसलिए वो इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ है। तो सर्प रूप धारण कर उन्होंने तारकासुर का वध किया और उसे दंडित किया, और संसार को तारकासुर के आतंक से मुक्त कराने में स्कंद माता के मार्गदर्शन ने उन्हें और भी बल और सामर्थ्य प्रदान किया। ब्राह्मण देवता, मेरी एक और उत्सुकता शांत करने की कृपा कीजिए।
जब कुमार कार्तिकेय कृतिका देवियों की ओर बढ़ रहे थे तो वो कौन सी देवी थी जिन्होंने कुमार कार्तिकेय को दर्शन दिए, जिनके दर्शन पाकर कुमार कार्तिकेय तारकासुर की चाल समझ सके। माँ ललिता। माँ आदि शक्ति की परम स्वरूप माता ललिता महाविद्या माताओं में सबसे अग्रणी हैं और माता आदि शक्ति के सर्वोच्च पक्ष उनमें समाहित हैं। इसलिए भविष्य में उचित समय आने पर उनका संसार में आविर्भाव होगा। अब हम पंचम चक्र विशुद्ध चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर स्कंद माता की अर्चना करेंगे। इस चक्र के जागृत होने से क्या होता है गणेश जी? जब हमारा विशुद्ध चक्र बाधित होता है तब हमें अपना मत श्रेष्ठ प्रतीत होता है और हम दूसरे के विचारों को सदा असत्य मानकर उन्हें नकार देते हैं। किंतु हमारे विशुद्ध चक्र के खुलने पर हम उचित समय पे उचित प्रकार से मत प्रकट करने के साथ दूसरे के विचारों को श्रवण कर उन्हें स्वीकार कर उसके दृष्टिकोण को समझने में भी समर्थ हो जाते हैं। तो आइए अब ध्यान आरंभ करते हैं। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। मैं महादेव से प्रश्न पर प्रश्न पूछता गया और उन्होंने निष्ठा और सत्यता से मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, किंतु मैंने एक बार भी ये ज्ञात करने का प्रयास नहीं किया कि उनके मन में क्या है। किंतु ऐसा क्यों किया मैंने? क्या ये सब कर कदाचित मैंने कोई बहुत बड़ी भूल की है? भले ही व्यक्ति को कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, बुराई का अंत होकर ही रहता है। माँ पार्वती का वो रूप जिसने किया महिषासुर का संहार, जिसको आज भी नमन करें हम। जानिए गणेश की जुबानी पार्वती के कात्यायनी रूप की कहानी। कल रात देखिए गणेश की जुबानी देवी कात्यायनी की कहानी।